कुंवर साहब, आप दिल एक मंदिर के बारे में बता रहे हैं कि एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनी और बड़ी मेहनत से बनी। आज भी अगर 28 दिन या 30 दिन में कोई फिल्म बनाई जाए तो इसी तरह से सक्सेसफुल बनेगी। हाँ, उतनी डिवोशन और उतनी सिंसेरिटी से बनाई जाए तो बन सकती, क्यों नहीं बन सकती। जरूर। और जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग एक महीना तक उस फिल्म के लिए ही जी रहे थे, उस फिल्म के बाहर क्या था हमें पता ही नहीं, और जाहिर है कि नतीजा बहुत अच्छा था। दिलीप मंदिर में स्टार कास्ट भी जो थी वो आप ही के द्वारा चुनी हुई थी। मीना कुमारी जी को या राजकुमार जी को भी आपने ही चुना था कि फिल्म में होना चाहिए। मीना कुमारी जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस और मीना कुमारी जी एक हिंदुस्तान में बहुत ही नायाब आर्टिस्ट पैदा हुई, शायद दूसरी मीना कुमारी कभी पैदा होगी नहीं। और मीना कुमारी जितनी अच्छी कलाकार थी उससे भी ज़्यादा अच्छी इंसान थी, बहुत ही अच्छी इंसान थी वो। उनका दिल जो है, जैसे कहते हैं कि वो मोम का बना हुआ था, बहुत इमोशनल थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी दोस्त थी, और मेरे से तो सीनियर थी वो। जब मैं आया फिल्म इंडस्ट्री में तो पहले से वो थी स्टार, और मैं उनको हमेशा मेम साहब कहता था, और आखिरी दम तक उनके मेम साहब ही कहा मैंने। पर ऐसा क्यों कहते थे? और वो मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरी बीवी को बहुत प्यार करती थी, हमारे घर भी आती थी तो बहुत ही बहुत इज्जत देती थी वो, बहुत अच्छी नेक इंसान थी। कुमार साहब, आप उन्हें मेम साहब क्यों कहते थे? मेम साहब इसलिए कहता था कि मेरे से सीनियर थी वो। अच्छा। तो मैं उनको मीना जी या कुमारी जी तो मुझे अच्छा लगता नहीं था, इसलिए आप उन्हें मेम। हाँ, और मैं उनसे मेम साहब ही कहता था। और जब मैंने फर्स्ट डे भी उनके साथ काम किया तो मैंने इनसे गुजारिश की कि मैम साहब देखिए, आप तो सीनियर हैं, मैं तो आपके सामने नया हूँ। वो हमारी फिल्म थी चराग कहाँ रोशनी कहाँ, जो बहुत कामयाब हुई, तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरा ख्याल रखिएगा, मुझे कहीं गलती हो तो सिखाइए। तो हंसने लगी, बोले आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं कितना अच्छा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप बहुत अच्छी हैं और आपसे कुछ सीखना है मुझे। और यकीन मानिए कि वो वाकई बहुत मदद भी करती थी, कभी शॉट कोई ठीक नहीं होता था तो वो चुपके से कान में कह देती थी एक दफ़ा और कर लीजिए तो अच्छा है। तो ये बातें भूलने की नहीं है, ये बातें ज़िंदगी में बहुत काम आई हमारे। इसके बाद में और मैं साथ ही ये भी पूछना चाहूंगी कि राजकुमार जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? नॉट फॉर ओनली दिस फिल्म। राजकुमार मेरे बड़े अजीज दोस्त थे, हमने बहुत सी फिल्मों में साथ काम किया, घराना में काम किया, जिंदगी में काम किया, मदर इंडिया में पहले काम किया, फिर दिलीप मंदिर में काम किया। तो बहुत ही अच्छे कलाकार थे वो, और सारी दुनिया जानती है, मैं कहूँ या ना कहूँ उससे क्या होता, और बहुत अच्छे इंसान भी थे। लेकिन आम लोग उनको गलत समझते थे, क्योंकि उनकी आदत थी कि जो दिल में हो वो कह देते थे, और दुनिया वालों को ये बात पसंद आती नहीं। वो तो कहते जानी हम तो वही कहेंगे जो हमें अच्छा लगता है, तो ये उनकी खूबी थी जिसको बहुत से लोगों ने उनकी बुराई समझा। तो मैं दोष दूंगा समझने वालों को, राजकुमार को नहीं। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ही महान कलाकार थे। अब मैं आपकी एक और वेरी सक्सेसफुल फिल्म की तरफ जा रही हूँ जिसमें लखनऊ का अंदाज, लहजा, जुबान और वैसे ही उठना। मेरे महबूब की बात कर रही हैं आप? महबूब की बात कर रही मेरे महबूब की सक्सेस की यही बात। मेरे महबूब की सक्सेस उसकी पीछे कहानी है, उसके पीछे डायरेक्शन है, उसकी फोटोग्राफी है, उसका बहुत बड़ा हाथ नौशाद साहब का है जिन्होंने वो म्यूजिक बनाया। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, वो इस तरह के गाने कौन बनाएगा। और फिर थोड़ा बहुत जो हमसे हो सका हमने भी किया। नहीं, आपसे तो ऐसा हुआ कि लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि जैसे दिलीप साहब का नाम जो दिलीप कुमार है वो पर्दे का नाम है, फिल्मी नाम है, वैसे वो यूसुफ खान है।
वैसे ही आपके लिए भी लोगों ने समझा कि आप वैसे तो मुस्लिम ये हैं। सही है, सही है ये बात कि मुझे बहुत सैकड़ों खत ऐसे आए कि जो मेरे फैंस ने मुझे पूछा कि आपका असली नाम क्या है, कि अनवर मियां आप हमें बताइए कि आपका असली नाम क्या है। तो मैंने उनको वापस यही लिखा कि भाई ये जो मेरा नाम है ये मुझे मेरे माँ बाप ने दिया है और मैंने इसे कभी बदला नहीं ना बदलूंगा। और हिंदू खत्री जी, क्षत्रिय हैं आप, हिंदू खत्री हैं। हाँ। और ये बहुत से लोगों को मालूम भी होगा, मैं भी बता देती हूँ एक बार फिर से। और इस फिल्म के बाद बारी आती है अब उस फिल्म की जिसमें ट्राइंगल लव था, लव स्टोरी थी, राज साहब ने वो फिल्म बनाई और बड़ी सक्सेसफुल हुई वो फिल्म, और वो फिल्म थी संगम। संगम में राज साहब की डायरेक्शन थी, ऑब्वियसली सभी जानते हैं, लेकिन राज साहब के साथ आपका काम करने का तजुर्बा कैसा रहा? हमने ये सुना है कि एक गीत के बारे में थोड़ा सा मतभेद था, दोस्त दोस्त ना रहा, आप नहीं चाहते थे कि ये गीत होना चाहिए फिल्म में, प्यार प्यार ना रहा, जबकि आपका ये कहना था कि मैंने तो अपना प्यार दे दिया, बल्कि तो आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे। देखिए बात यह है कि जब राज जी का जिक्र आता है तो मेरे दिल के तार जो हैं वो हिल उठते हैं और उनमें एक बड़ा दर्द जाग उठता। उसकी वजह यह है कि मेरे 30 साल की जिंदगी में फिल्म इंडस्ट्री में मेरा सिर्फ एक ही दोस्त, जिसका नाम था राज कपूर। हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, रोज मुलाकातें, अगर रोज मुलाकात ना हो तो टेलीफोन पे बातें, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, चार दफा भी, साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में पीना, साथ में हंसना, साथ में रोना, अपनी जिंदगी, अपने प्रोफेशन की जिंदगी, अपने घर की जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, ये सबको हम मिल बांटते थे दोनों। और सचमनी तो उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी का बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है वो मर चुका है, ना फिर मेरा कोई वैसा दोस्त है, ना मेरी किसी के साथ वैसी कंपनी है। उनके चले जाने के बाद मैं तो आप यकीन मानिए बहुत कम फंक्शंस में जाता हूँ, कम पार्टियों में जाता हूँ, कि वो जब वो थे तो हम दोनों साथ जाया करते थे, तो आप जाएं तो किसके साथ जाएं, छोड़ दिया, उसके साथ ही सब छोड़ दिया। बहुत बहुत प्यारा आदमी था वो, बहुत प्यारा आदमी था, फिल्म इंडस्ट्री में शायद राज कपूर फिर आएगा नहीं, माँ राज कपूर रोज पैदा नहीं करते, जिनका नाम पूरे वर्ल्ड में बड़ी इज्जत के साथ, जी दुनिया दीवानी थी उनकी, और वो थे इस काबिल, ऐसे ही तो इंसान नहीं बनता, कुछ उसमें बात होती है तो भगवान उसको वो जगह देता। लेकिन यहाँ जो मैंने एक और क्वेश्चन पूछा कि आप इस हक में नहीं थे कि ये गीत रखा जाए फिल्म में, उसके बारे में आप बताएंगे इसके साथ? वो तो खैर देखिए फिल्म बनाने में ये बातें तो होती रहती हैं, डिस्कशंस होती हैं। अब वो गीत था कि दोस्त दोस्त ना रहा, तो मैंने उनसे कहा कि ये गलत गीत गा रहे हो तुम, क्योंकि दोस्त तो दोस्त है, दोस्त ने तो अपना प्यार तुम पे कुर्बान कर दिया, तो तुम कैसे कह सकते हो दोस्त दोस्त ना रहा, और प्यार प्यार ना रहा, जिसको तुम प्यार करते हो वो जंती मारा, उससे तुम्हारी शादी हो गई, तो प्यार प्यार कैसे ना रहा भाई, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो वो कह लेंगे नहीं 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 ब्रदर, तुम देखो मैं मुझे पिक्चराइज करने दो गाना, और मैं इसको बहुत अच्छी तरह से सजाऊंगा, ठीक है आप डायरेक्टर हैं प्रोड्यूसर हैं कीजिए। वो किया उन्होंने, उसके तीन अंतरे थे और जब पिक्चर रिलीज हुई तो उसमें दो हैं, एक नहीं है। लेकिन जब ये तो मैंने उससे जो कहा था, फिर उन्होंने उस गाने को स्टेब्लिश करने के लिए सारा गाना जो है वो मेरे बड़े क्लोजअप के ऊपर सुपरइम्पोज किया, वजंती माला के चेहरे पे सुपरइम्पोज कर दिया और अपने आप को उसमें से बहुत कम कर दिया, और वो गाना बहुत ही लोगों को पसंद आया। लेकिन वो एक ऐसे मास्टर फिल्म मेकर था वो आदमी, मैं क्या बताऊँ आप, वो कहाँ से कहाँ बात मिलाता था वो आदमी, और कहानी को कभी नहीं छोड़ते थे। उनकी हर फिल्म में, गाना भी देखिए आप,
तो वो भी इज ए पार्ट ऑफ द स्टोरी. गाना जो कहानी को आगे लेके चलता है, गाना गाने की जगह नहीं आता कि गाना आ गया सब गाना सुन लेते हैं, नहीं, उनका गाना जो है वो कहानी का हिस्सा होता. इसीलिए उनके गाने जो थे बहुत पॉपुलर होते थे और बहुत लोगों को पसंद आते थे कि वो कहानी के साथ चलते थे, जुड़े होते थे. तो यहाँ ये भी तो सुनने हमने सुना है कि जब ये गीत खत्म होता है आपने कुछ डायलॉग्स अपने मन से बोले थे जो कि राज कपूर साहब को बहुत पसंद. वो भी सही है, क्योंकि जब गाने की शूटिंग खत्म हुई तो मैंने कहा उनसे कि अच्छा आप एक शॉट लो जिसमें मैं एक डायलॉग बोलूंगा. वो क्या है भाई, आप शॉट लगाओ. तो वो डायलॉग बनाया था हमने, वो कहा, वो बहुत लोगों को पसंद आया और खुद राज कपूर को बहुत पसंद आया. वो डायलॉग यूं था कि सुंदर मेरे दोस्त जो गीतकार पे गुजरी उसने अपने गीत में कह दिया, मगर यार मेरे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पे गुजरती है मगर वो कहते नहीं, चुप रहते हैं. तो ये बात खुद उनको बहुत पसंद आई. बोले हाँ यार तुमने मेरे गाने की तो ऐसी तैसी कर दी ये लाइन बोल के, लेकिन ये है बात बहुत अच्छी. और सब ये पुरानी बातें सुनकर इतना अच्छा लग रहा है. अब मैं आरजू की तरफ आ रही हूँ, साधना जी के साथ एक और अपने फिल्म में काम. आपने तो पूरी हिस्ट्री खोल डाली. ये यकीनन आपकी भी पसंदीदा फिल्में होंगी. जी हाँ. और साधना जी के साथ इस फिल्म में भी आपके रोल को बहुत पसंद किया गया था, रामानंद साधना. साधना मेरी बहुत अजीज दोस्त है, थी और हमेशा रहेगी. हम एक दूसरे को पापे बोलते हैं, वो मुझे पापे बोलती है, मैं उसे पापे बोलता हूँ. बहुत ही नेक लड़की है वो, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो. हमने जिन फिल्मों में काम किया बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से मिलजुल के काम किया और लोगों को फिल्में बहुत पसंद आई, जिसमें मेरे महबूब थी, आरजू थी, आप आए बाहर आई बाहर थी, सूरज थी. शी इज वेरी गुड एंड वेरी गुड फ्रेंड, वेरी टू गुड फ्रेंड ऑफ माइन. वो मेरी फैमिली फ्रेंड. अभी भी मैं बॉम्बे से आया हूँ तो चार दिन पहले हमारे घर पे थी, वी हैड डिनर टुगेदर एंड शी वेरी नाइस. अभी बेचारी पिछले एक साल हुआ उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे वो भी, तो अब काफ़ी अकेली हो गई हैं. बट शी इज़ अ वेरी बोल्ड वुमन, शी नोज हाउ टू फेस लाइफ एंड शी इज फेसिंग लाइफ एंड शी इज इंजॉइंग लाइफ, शी इज टू गुड. अच्छा, आरजू के साथ भी एक इंसिडेंट है, क्यों ऐसा हुआ कि जिस फिल्म में आपने जो किरदार किया उस किरदार को लोगों ने बिल्कुल सच समझ लिया और आपके पास आए ये कहने के लिए कि आपने मुझे एक नई जिंदगी दी, ऐसा ही एक किस्सा आरजू के साथ भी है. जी हाँ, एक लड़का पुणे से आया था, उसकी एक्सीडेंट में एक टांग कट गई थी, तो वो पुणे से आया और वो सागर साहब के ऑफिस में पहुंचा और उसने कहा कि मुझे राजेंद्र कुमार से मिला दीजिए. और उसने अपनी कहानी सुनाई उनकी, तो सागर साहब ने मुझे टेलीफोन किया कि भाई तुम आ जाओ, एक ख़ास आदमी से तुम्हें मिलवाना है. मैं स्टूडियो गया उनके ऑफिस में, तो एक लड़का बैठा हुआ था, बैसाखी लिए हुए, बेचारे की एक टांग नहीं थी, तो बड़ा खूबसूरत मोटा फूलों का हार लेके आया था और उसने मुझे देखते ही वो हार मेरे गले में डाल दिया और मुझसे लिपट गया और उसकी आँख में आंसू थे, खुशी के थे, मेरे ख्याल में तो खुशी की थी. कहने लगा भाई बात यह है कि मेरी टांग कट गई थी और मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता था, आपकी आरजू ने मुझे प्रेरणा दी कि नहीं, ज़िंदगी रहने के काबिल है और मैं आज ज़िंदा हूँ और खुश ज़िंदा हूँ. तो ऐसे मौके बहुत आए. और मैंने आपसे जैसे कहा ना, लोग आइडेंटिफाई करते हैं, अगर वो परफॉर्मेंस में, कहानी में जज्बा हो, एहसास हो, तो उसका असर ये होता है कि लोग उसको सच समझते हैं, सच समझ के फिर उसको अपने आप को उसमें उस सांचे में ढालते हैं और समझते हैं कि ये मैं हूँ. अच्छा बेटे का किरदार हो तो माँ बाप समझते हैं कि भगवान करे हमारा बेटा ऐसा हो, अच्छे भाई का किरदार हो तो बहनें कहती हैं कि काश हमारा भाई भी ऐसा हो, अच्छे लवर का किरदार हो तो महबूबाएं समझती हैं कि अल्लाह करे हमारा भी कोई ऐसा ही हो. तो ये आइडेंटिफिकेशन जो है यही फिल्म को कामयाब करती है. जहाँ आपने ये बताया कि अच्छा महबूब हो तो महबूबा सोचती है, हर महबूबा सोचती है मेरा महबूब ऐसा हो, तो कुमार साहब आपको बड़े रोमांटिक
रोल्स करने का मौका मिला है और आप एक सक्सेसफुल रोमांटिक लवर बनकर आए हैं स्क्रीन पर, क्या कहना, वेरी पर्सनल क्वेश्चन, क्या पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कभी हुआ? इस सवाल का जवाब मेरी बीवी आपको ज्यादा अच्छा दे सकती है। वो नहीं सुन रही है। वो ना देख रही है ना सुन रही है, तो मैं एक नहीं, पर वो कोई भी नहीं सुन रही। वो आपको ज्यादा अच्छा बता सकती है कि रोमांटिक हूँ मैं या अच्छा लवर हूँ या नहीं हूँ। क्या इस बात को लेकर कभी घर में कोई बात संवाद हुआ, कोई भी बात हुई? टच वुड, ऐसा कभी नहीं हुआ। नॉर्मली ऐसा होता है। वो ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मैंने जिंदगी को दो सेक्शन में हमेशा बांट के रखा। स्टूडियो को कभी घर नहीं लाया, वो घर को कभी स्टूडियो नहीं लेके गया, तो इसलिए मेरे दोनों जगह में कोई भी इख्तलाफ, कोई भी बदमजगी पैदा नहीं। मैंने वो दैट माय प्रोफेशन, मेरा पेशा है फिल्म में काम करना और अपनी तरफ से अच्छी अच्छा काम करना ताकि लोग मुझे पसंद करें। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन इसके साथ ही, जब आप बहुत कोई रोमांटिक सीन कर रहे हैं, क्या व्हाट सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स यू गेट दैट टाइम? नाउ आई डोंट थिंक यू, देखिए फीलिंग की बात ये है, इफ यू डोंट गेट फीलिंग यू कैन नॉट परफॉर्म। टू बी ए गुड एक्टर यू हैव टू हैव फीलिंग, बट फीलिंग फॉर दैट मोमेंट, हाउ डू यू स्विच इट, उस तार को सीन खत्म होने के साथ तोड़ना पड़ता है। अगर नहीं तोड़ा जाए तो फिर घर बर्बाद हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाए। तो इस ये भी एक्टर जो होता है मेरे ख्याल में उसका जो दिल है वो एक बिजली के स्विच बोर्ड की तरह से होता है, लाइट ऑफ लाइट ऑन। और अगर वो लाइट ऑफ ऑन नहीं कर सकता तो फिर वो एक्सेंट्रिक हो जाता है, बह जाता है, वो किसी भी रॉ में निकल जाता। अब मैं एक प्रिंस के बारे में पूछना चाहूँगी जिसे ये मालूम ही नहीं था पिक्चर के एंड तक कि वो प्रिंस है, और वो था सूरज का किरदार आपका, जिसके बाद आपको बहुत सी फिल्मों की ऑफर हुई लेकिन वो वही चाहते थे कि वो तलवारबाज भी हो और उस तरह के रोल, स्टंट रोल्स भी कर सके। किस तरह के? सच है कि थोड़ा सा तलवार भी चला सकता हो? नहीं नहीं, वो देखिए वो तलवार चलाने की जो बात जो है वो मेरे दोस्त कृष्णमूर्ति जिन्होंने फिल्म बनाई थी और मैंने उन्हें मजबूर किया था कि भाई तुम बहुत पैसे कमाना चाहते हो। बोले हाँ, तो मैंने कहा ये तुम तलवारबाजी की फिल्म बनाओ, तो वो घबरा के खड़ा हो गया, व्हाट आर यू टॉकिंग मैन, तुम तो एक बड़े इमोशनल और रोमांटिक और ड्रामेटिक एक्टर हो और तुम ये तलवार और घोड़े और हाथी की बात करते हो। मैंने कहा देखो तुम बनाओ, बहुत पैसे कमाओगे क्योंकि मैंने ये ऐसा कभी नहीं किया और ये लोगों के लिए नॉवल्टी होगा और तुम बहुत पैसे कमाओगे, तुम्हारी पिक्चर बहुत चलेगी। तो वो बात उसकी समझ में आ गई और उसने वो फिल्म बनाई और यही हुआ कि उसने ढेर सारे पैसे कमाए और हमें भी लोगों ने उसमें भी पसंद किया। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ऑफर्स आई उस तरह की फिल्मों पर, लेकिन मैंने फिर कभी नहीं की। उसके बाद तो 6-7 बरस के बाद फिर एक फिल्म मैंने की जिसका नाम था गोरा और काला, और गोरा और काला भी करने की वजह जो ये थी, उस वो एक्शन नहीं था, वो टू डिफरेंट करेक्टर्स कंट्रास्ट, एक कालिए का और एक गोरे का। तो वो जो मौका था एज एन एक्टर वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो मुझे काले का रोल बहुत पसंद था, तो उसको बहुत शौक से मैंने किया और लोगों ने भी उसी शौक से उसको पसंद भी किया। वो डायरेक्ट की थी आपके ब्रदर ने जी, और उस फिल्म में ये भी मैंने सुना है कि आपको 3-3 घंटे लग जाते थे फॉर मेकअप एंड मेकअप। जी हाँ, काला बनने के लिए 3-3.5 घंटे लगते थे और पूरा पांव से लेकर सर तक काला बनना पड़ता था, और उसके बाद फिर जब गोरे की बारी आती थी तो 1.5 घंटा उसको साफ करने में लगता था, फिर गोरा बनना पड़ता था। खैर वो तो दैट इज दी यू नो द प्रोफेशनल नीड्स एंड हर्डल्स आर प्लेयर्स आर व्हाटएवर यू कॉल इट, तो बड़ा मजा आता था उसमें। टेक्निकली कोई ये बहुत मुश्किल चीज थी? टेक्निकली बिकॉज टेक्निकली मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन क्योंकि कैमरामैन जो था ही वॉज अ वेरी एक्सपर्ट, ही न्यू हाउ टू टेक डबल शॉट्स, माई ब्रदर वॉज डायरेक्टर एंड ही न्यू हाउ टू मैनेज दोज शॉट्स एंड दे डिड वेरी वेल, वेरी वेल।
सूरज में ही एक गीत जो बहुत पॉपुलर हुआ था वो था बहारो फूल बरसा मेरा, वो आज भी बहुत पॉपुलर है। मैं जहाँ भी जाता हूँ किसी फंक्शन में या किसी शादी में, वो बैंड वाले होते ना जी, तो मेरी एंट्री पे भी गाना वही गाना बजाते हैं, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। तो वो ऐसा लगता है वो ट्रेडमार्क बन गया, वो आपकी एक पहचान बन गया वो जी। हाँ ऐसा होता है। अच्छा उस वक्त में क्या डांस डायरेक्टर्स हुआ करते थे हर डांस सीक्वेंस के लिए, जैसे इस फिल्म में भी डांसेस थे इसमें सूरज में, सूरज में, सूरज में हाँ डांसेस थे, वो हीरा लाल जी थे हमारे डांस मास्टर। तो मुझे डांस खास आता नहीं था और ना आता है, और मैं करते हुए बहुत घबराता भी था, लेकिन वो अच्छे मास्टर थे, थोड़ा बहुत करवा लेते थे और गुजारा कर लेते थे। अगर आपको आज की फिल्म में काम करना हो और डांसेस करने पड़े तो आप फिर भी कर लेंगे? या तो मैं स्टूडियो से भाग जाऊंगा या वो डायरेक्टर भाग जाएगा या वो डांस मास्टर भाग जाएगा, क्यों मुझसे तो होगा नहीं। क्यों झूठ बोलूं? अच्छा आजकल के लड़के लड़के कर सकते हैं, हमसे नहीं हो सकता। एक और बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म और बड़ी ही खूबसूरत कहानी थी फिल्म साथी की जी। एक बार फिर से वे जयंती माला जी के आप हस्बैंड बने, डॉक्टर थे इस फिल्म में, पर अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट होने के बाद आंखें चली जाती हैं और ब्लाइंड पर्सन का रोल भी बहुत अच्छी तरह। उस फिल्म में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात जो मुझे पसंद थी वो ये थी कि वो मियाँ बीवी की लव स्टोरी थी। उस फिल्म की कहानी में लड़का लड़की मिले, उनका प्यार हो गया, उनका इश्क हो गया, वो गाने गाने लगे या ये या वो लव सीन, ऐसा नहीं था। उसमें एक अनजान सा आदमी एक अनजान सी लड़की से मिलता है और उनका कोई आपस में रिश्ता नहीं है, और किन हालात में वो शादी कर लेते हैं, और शादी के दिन से उनका रोमांस उनका इश्क शुरू होता, एंड वो दोनों एक दूसरे के दीवाने हैं। तो मेरे ख्याल में वो मेरा जो ख्याल था कि ये शादीशुदा लोग जो हैं खासकर उनके लिए एक बड़ी सबक आमोज फिल्म थी कि इश्क हो मियाँ बीवी का तो इस तरह से होना चाहिए। बाकी तो उसमें इंसिडेंट्स थे, फिल्मी इंसिडेंट थे कि वो अंधा हो गया या ये हो गया या वो गया, वो तो होता है, तो कहानी है। लेकिन बेसिक बात उसकी ये थी कि इट वॉज ए लव स्टोरी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, नॉट बिटवीन बॉय एंड गर्ल। कुमार सर एक बात यहाँ मैं पूछना चाहूँगी कि कभी कभी अंधा दिखाते हैं कि आंखें बंद हैं, आंखें बंद करके तो कैमरे को फेस कर रहे हैं इंसान, लेकिन कभी कभी होते हैं आंखें खुली हैं लेकिन उनको एकदम स्टिल रखना पड़ता है या ऐसा शो करना पड़ता है कि अंधे का रोल कर रहे हैं। जी हाँ वो तो करना पड़ता है, बिकॉज इसे प्रोफेशन ऑफ मेक बिलीव। जब मैं जैसे आपको बताता हूँ, जब अंधे का मैं रोल जब मैं करता था तो मेंटली यू फॉरगेट दैट यू सीइंग एनीथिंग, यू फील दैट यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग, यू आर ब्लाइंड, यू ब्रिंग दैट फीलिंग एंड नेचुरल दैट एक्सप्रेशन कम्स। और अगर ये कि हम देख रहे हैं और सब दिख रहा है और फिर अंधे लग रहे हैं तो होता नहीं, यू हैव टू ब्लर इट आउट, फीलिंग लानी पड़ती है कि यस आई कांट सी। वैसे तो हर काम बहुत मुश्किल है, हर प्रोफेशन मुश्किल है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक्टिंग कितनी मुश्किल है, कितना मुश्किल प्रोफेशन है? एक्टिंग बहुत ही मुश्किल प्रोफेशन है और ये इतना बड़ा अथाह समंदर है। मेरे ख्याल में कोई दुनिया का एक्टर ये नहीं कह सकता अपने सीने पर हाथ रख के कि मैं परफेक्ट। ये जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक सीखता है, हर रोज सीखता है। हमने इतना फिल्मों में मैंने काम किया, अभी भी लगता है कुछ आता ही नहीं, ये थोड़ा सा और सीख जाएं जाने से पहले तो बहुत अच्छा है। ये तो आपकी मॉडेस्टी है। नहीं नहीं मॉडेस्टी नहीं, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, इट्स अ ट्रूथ। और जो लोग कहते हैं कि हम जान गए हैं, झूठ बोलते हैं। इस काम को पूरा कोई जान नहीं सकता, क्योंकि किस अपने रूप को भूल कर किसी और का रूप बन जाना बहुत मुश्किल काम, और फिर पूरा बन जाना उसमें सफल वो नहीं होता। आपकी कोई ऐसी हसरत है जो अभी पूरी नहीं हुई, कोई ऐसा रोल आप करना चाहते थे जिंदगी में लेकिन नहीं कर पाए? ऐसी खास कोई बात नहीं है। हाँ मैंने कुछ विलन के रोल नहीं किए हैं, आपको तो मैं बहुत अच्छा किया नहीं, मुझसे होंगे भी नहीं। तभी कह रही हूँ बहुत अच्छा किया आपने। वो होंगे भी नहीं वो, क्योंकि वो कुछ पता नहीं उस तरह के एहसास होने चाहिए या उस तरह की कला होनी चाहिए जो मुझ में नहीं है। आप अपने आप को सेमी रिटायर्ड कहेंगे या रिटायर्ड कहेंगे या आप फुली इन एक्शन? क्या
आप अपने आप को किस कैटेगरी में हमें एक्सप्लेन करेंगे? आर यू सेमी रिटायर्ड एट द मोमेंट या रिटायरमेंट ले चुके हैं? नो नो, आई एम नॉट रिटायर्ड एट ऑल, बिकॉज मैं रिटायरमेंट पे बिलीव ही नहीं करता हूँ. रिटायरमेंट इज अ डे व्हेन यू गेट द कॉल फ्रॉम अपस्टेयर्स. टिल देन आई विल नेवर रिटायर. ये ठीक है, द स्पीड ऑफ द वर्क इज स्लो, इज लेस. पहले 10 फिल्मों में काम कर, 4 फिल्मों में काम करते थे. हमने 10 में तो कभी किया ही नहीं, 3-4 फिल्मों में काम करते थे. अभी एक आदमी कर लेते हैं, कभी दो में कर लेते हैं. खास साथ में फिल्में प्रोड्यूस करता हूँ, उनमें बहुत काम रहता है, वो करता हूँ. और बाकी रिटायरमेंट जो है वो उसमें बिलीव मैं नहीं करता. मैं जब तक जीऊँगा तब तक काम तो करूँगा. और भगवान करे कि मुझे इस काबिल रखे, मेरे हाथ पांव चलते रहे कि मैं काम करता रहूं. जरूर हम भी चाहेंगे और हमारे सभी ऑडियंस भी चाहेंगे कि तकरीबन एक फिल्म तो जरूर साल में ऐसी रिलीज हो जिसमें हम आपको देख सके. बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये और ये मेरा ख्याल है, वादा है कि ये आपकी ख्वाहिश पूरी होती रहेगी. जरूर हम चाहेंगे. और मैं अभी एक फिल्म मेरी पूरी हुई है, एक था दिल एक दी धड़कन, तो उसमें मेरे ख्याल में बहुत अच्छा करेक्टर है मेरा. एक थी धड़कन. वो मिर्जा ब्रदर्स जिन्होंने हमारी कहानी लिखी थी, लव स्टोरी जी जी, उन्होंने बनाई है. देखिए आप लोगों को कैसी लगती. जरूर देखेंगे हम. और यहाँ मैं ये भी जरूर पूछना चाहूंगी कि यूँ तो बहुत से किरदारों में आपने अपने आप को ढाली और ऐसा ढाला कि हर किरदार को जीवित कर दिया. लोगों ने यही समझा कि यस ही इज द वन. पर सच बात कहूँ तो ये लोगों का प्यार है. नहीं, नहीं, कौन और मैं उस प्यार के सामने हमेशा मैंने सर झुकाया है और झुकाता रहूँगा. बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत नसीब वाला हूँ कि लाखों करोड़ों इंसानों का प्यार मिला है जिंदगी में. इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती. फिर कौन सा ऐसा किरदार है जो आपको बहुत पसंद है? कोई एक. देखिए बात यह है कि मैंने तो जो किरदार जो किए हैं, जो पसंद थे तो किए, जो पसंद नहीं थे कभी किए ही नहीं. ये तो आप डिप्लोमेट चांस. नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ. मैंने जो मुझे कभी कहानी या किरदार पसंद आया, मैंने उसमें काम ही कभी नहीं किया. जो पसंद आया उसमें काम किया. तो लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो आपके दिल को बहुत भाया होगा कि यस दिस इज. हाँ, वो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो बहुत प्यारी लगती हैं बनाने शुरू होने से पहले भी, बनाते हुए, बनाने के बाद भी. जैसे कानून कहा आपने, खुद ही कहा, दिल एक मंदिर कहा, संगम कहा, इवन मदर इंडिया और मेरे महबूब, ऐसी फिल्में जो करते हुए भी बहुत अच्छा लगता था और लोगों को भी बहुत अच्छा लगा. बाकी ये कहें कि भाई हमने तो कमाल कर दिया, ऐसी बात नहीं. आपने कमाल किया है और जरूर इसके गवाह. ये आप लोगों की मेहरबानी है, बाकी सब ठीक. तो सब एक बात हमें हमेशा हम पूछना चाहते हैं और मुझे लगता है कि हमारे बहुत से ऑडियंस भी ये बात जरूर जानना चाहेंगे कि आपके बेटे कुमार गौरव बंटी, इसे आप प्यार से कहते हैं, वो इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए जबकि उनमें बहुत टैलेंट है? देखिए बात ये है कि कुमार गौरव में बहुत खूबियां हैं. वो बहुत, पहले तो आज के जमाने के हिसाब से बहुत ही नेक लड़का, इंट्रोवर्ट है. वो आज की दौड़ में साथ में दौड़ता नहीं, खामखा में अपने काम के लिए इधर घुसो उधर घुसो से आता नहीं. और जब काम करता है तो बहुत अच्छा करता है, बहुत बहुत ही मेहनत से करता है. और बहुत अच्छा अच्छा उसने काम किया है. उसकी पहली पिक्चर थी लव स्टोरी. मेरे ख्याल में लोग तो सुपरस्टार 10 फिल्मों के बाद बनते हैं, वो तो पहली फिल्म में सुपरस्टार हो गया था. और सुपरस्टार होना उसके लिए थोड़ा नुकसानदेह साबित हुआ, इसलिए कि फिर बड़े बड़े प्रोड्यूसरों ने उसको उसके साथ फिल्में बनाई, जैसे रमन सागर हैं, मोहन कुमार हैं, और सब लोगों ने लव स्टोरी बनाने की कोशिश की. भाई लव स्टोरी तो दोबारा मुझसे नहीं बनी, तुमसे क्या बनेगी? तो वो और किसी सांचे में ढाल नहीं सके उसे, जिसका उसको नुकसान हुआ. खैर ये बड़ी छोटी बातें हैं, जिंदगी में ऊंच नीच तो आती रहती है. बड़े बड़े लोगों के साथ आई. अब हमने ऐसे सुपरस्टार देखे जिनकी 18-18, 20-20 फिल्में किसी को देखने पसंद नहीं करता था, उसके बाद वो कह लेंगे ये तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े महान कलाकार पैदा हुए. तो ये होता रहता है. और जिस दिन उसकी 6 महीने में, साल में कोई ऐसी फिल्म लग जाएगी जो बहुत कामयाब होगी, तो उसका शोर हो जाएगा. और अगर उसके नसीब में नहीं है तो
हम क्या कर सकते हैं, माँ बाप बच्चे को जन्म दे सकते हैं, उसके नसीब तो नहीं बना सकते, नसीब तो उसके अपने हैं। सब ये मुलाकात मुझे हमेशा याद रहेगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस मुलाकात को कभी बिल्कुल याद रहेगी और इस इंग्लिस्तान की जो गर्मी मैंने पहली दफा देखी है और उस गर्मी में आपने ये मुलाकात जो की है, यानी पसीने छूट रहे हैं, ऐसा लगता है दिल्ली में बैठ के ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। वतन की याद तो दिला दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे भी उम्मीद है कि आप ये मुलाकात हमेशा याद रखेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान सरिता को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए।